जय हनुमान दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं छिंदधाम। छिंदधाम एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे छिंद वाले दादाजी धाम कहा जाता है। यहाँ हनुमान जी को दादाजी कहकर पुकारा जाता है और यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि पांच मंगलवार लगातार यहाँ हाजिरी लगाने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और यहाँ पे भीड़ लगी ही रहती है। खास करके मंगलवार और शनिवार को तो जमकर भीड़ होती है। आज मंगलवार की सुबह है और हम छिंदधाम आए हुए हैं और छिंदधाम में हम पहले भी आ चुके हैं और अभी भी फिर से आए हैं। आपको बता दें, यह छिंदधाम जो है रायसेन जिले के बरेली तहसील के पास छिंद गाँव में है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। भोपाल से 40 किलोमीटर और जबलपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर यह है, 200 किलोमीटर। और हम जबलपुर से आए हैं और भोपाल से आना यहाँ ज़्यादा आसान होगा। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप भोपाल फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं और उसके बाद आप बाई रोड यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि यहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा सरल है, कोई कठिन मार्ग नहीं है और यह छिंद गांव में स्थित है। और आप देख सकते हैं ये छिंद धाम कितना ज़्यादा यहाँ पे शांति और कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है धर्ममय हो चले हैं। ये छिंद धाम का गेट है और यहाँ से अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से अंदर आपको जो है भगवान जो है हनुमान की एक मूर्ति मिलेगी जो कि दक्षिणमुखी मूर्ति है और पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित है। लेकिन यहाँ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है निषेध है, मना है, इसलिए हम मंदिर के अंदर कैमरा लेकर नहीं जाएंगे, मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। आपको बाहर से दिखा रहे हैं, आप बाहर से देख सकते हैं कि ये जो मंदिर में लाइन लगी हुई है और सामने गर्भगृह है जहाँ पंडित जी बैठे हैं, उनके ठीक बाजू में गर्भगृह है और अंदर भगवान हनुमान विराजे हैं दादाजी, छिंद वाले दादाजी के नाम से। और वो हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं जो हर जो है मंगलवार पांच मंगलवार हाजिरी लगाते हैं और पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद और यहाँ पर जो है भक्तों की मनोकामना पूरी करने के बाद जब पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे वो भंडारे भी करवाते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा भंडारे होते रहते हैं। हम आपको गेट से अंदर जाकर दिखा रहे हैं, ये देखिए गेट से अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ठीक बाजू में ग्रिल बनी हुई है, लोहे की ग्रिल है, उसके बाजू में मंदिर है और मंदिर का गर्भगृह है। हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ कैमरा ले जाना मना है, फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हमने भी यहाँ पे मनोकामना मांगी थी जो पूर्ण हो गई, तो हम यहाँ भंडारा करवा रहे हैं। हम यहाँ पे रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली यहाँ पे गुलाब जामुन और रसगुल्ले बांट रही है और हमें यहाँ पे बहुत आनंद आया। प्रसाद के रूप में गुलाब जामुन और रसगुल्ले बांट के बच्चों ने और ख़ास करके बहुत सारे भक्तों ने और बच्चों ने और आसपास जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों ने तो पांच पांच दस दस बार ले लिए और हमने उन्हें जो है पांच पांच दस दस बार गुलाब जामुन और रसगुल्ले दे भी दिए। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रसाद एक ही बार दें। आप चार बार आएंगे आपको चार बार मिलेगा, आप दस बार आएंगे आपको दस बार मिलेगा, ख़त्म होने तक तो मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो फिर दोबारा जब आएंगे तभी हम ऐसी सेवा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये दृश्य, ये सीन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये गुलाब जामुन कैसे दिख रहे हैं, रसगुल्ले हम बांट चुके हैं, आप गुलाब जामुन बांटे जा रहे हैं, तो ये आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप भी कभी जीवन में एक बार ही सही छिंदधाम ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मनोकामनाएँ पूरी होंगी। आप मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हनुमान।